नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली में जी एंटरटेनमेंट और डीएलएफ जैसे शेयर्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कई लोगों को उसमें लॉसेस भी हो रहे हैं। तो अगर आपको इस लॉस से रिकवर करना है तो आपको कौन से स्टॉक में आपको शिफ्ट करना है, तो मैं आज आपको एक सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूं, जो आपको आपको मीडियम टर्म में आपको एफडी स्टॉक की तरह रिटर्न देगा, या और आने वाले टाइम में ये एक मल्टीबैगर स्टॉक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो ये जो मैं कंपनी बताने जा रहा हूँ, ये कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। मैं इस कंपनी का आपको आज वह भी बताऊंगा, कंपनी करती क्या है, उसका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसके पास क्या अर्निंग्स है, क्या ऑर्डर्स है, और अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और इसमें अगर रिस्क है तो रिस्क फैक्टर क्या है, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जरूर। तो चलिए मैं आपको पहले ओवर भी बताता हूँ। दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है एक पब्लिक सेक्टर की मिनी रत्न कंपनी है, और इसका मेन काम होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मेकिंग हाईवे, ब्रिज, टनल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। इसका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, बल्कि ये मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया जैसे कंट्री में भी है। ये एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इसका जो 87% रेवेन्यू आता है वो रेलवे से आता है, क्योंकि रेलवे में इसका मोनोपोली है। जो रेलवे का प्रोजेक्ट होता है वो उसमें जो जैसा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का या डबलिंग ऑफ द रेल ट्रैक, इसमें मोनोपोली है और ये प्रोजेक्ट इनको ही मिलता है, तो इसमें एक इनका मोनोपोली रहा है। दोस्तों, ये एक रिसेंटली लिस्टेड PSU कंपनी है। इसका जो शेयर प्राइस है, इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 388 रुपीज़, और अगर इसका IPO प्राइस देखें, जो कि IPO इसका लिस्टिंग हुआ था सितंबर 2018 में, उस समय इसका प्राइस था 475 रुपीज़, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसका प्राइस ऊपर कभी गया नहीं, बल्कि नीचे आ रहा है, अभी तक 388 पे आ चुका है। लेकिन अगर आप इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखें और उसको कंपेयर किया इस ईयर का जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है, और कंपनी के पास अभी जो ऑर्डर बुक है 27,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास जो कैश है, कैश इसके पास काफ़ी कैश है, अगर मार्च 2018 से अगर कंपेयर करें तो इसका जो बैलेंस है वो बहुत बढ़ा है, और अभी इसके पास मोर देन 1,500 करोड़ का कैश है, जिसको कि अगर आप अभी जो करंट इसके जो शेयर्स हैं उससे अगर आप कंपेयर कर वर्कआउट करें तो आपको इस शेयर पे 150 रुपीज़ इनके पास कैश रिजर्व्ड है। तो अभी जो शेयर प्राइस है 388, अगर इसे 150 रुपीज़ माइनस कर दें तो भी आपको एक अच्छा प्राइस पे ये शेयर मिल रहा है। चलिए आपको मैं इसका फाइनेंशियल बता देता हूँ। अगर इसका पिछले 3 साल से अगर इसका कंपेयर करें तो इसका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा रहा है, स्ट्रांग ग्रोथ रहा है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 17 का देखें तो 17 से 18 में इसका जो रेवेन्यू था ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हुआ है। अगर इस ईयर का आप इसका रेवेन्यू देखें, जो कि अभी पिछले 6 महीने का मैं दिखा रहा हूँ, तो 6 महीने में जो इसका रेवेन्यू रहा है वो 1,800 करोड़ का रहा है, और अभी नेक्स्ट 6 मंथ का अगर आप ऐड करें तो आपको लास्ट ईयर से इसका ज़्यादा ही रेवेन्यू होगा। इसी तरह से आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 17 से 18 में इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है, प्रॉफिट अच्छा रहा है, और अगर इस ईयर का भी देखें, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का जो 6 महीने का अगर देखें तो 6 महीने में 246 का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है, और नेक्स्ट 6 मंथ का भी अगर एक्सपेक्ट करें तो इससे ज़्यादा ही आएगा। तो ये भी इस तरह से अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी इसका काफ़ी अच्छा रहा है। इसका ऑर्डर बुक देखें तो पिछले साल 22,000 करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 27,000 करोड़ हो चुका है। अगर इसकी EPS देखें तो लास्ट ईयर इसका 43.8 था, और उसके पिछले साल देखें तो 30.2 का EPS था, जो कि इस साल अगर हाफ 6 महीना का देखें तो 26% ऑलरेडी EPS आ चुका है। तो अगले 6 मंथ का भी अगर इसमें एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर ऐड करते हैं तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर 18 से ज़्यादा ही होगा। और लास्ट ईयर उन्होंने 20 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड रहा है। चलिए मैं कुछ हाईलाइट इसका बता देता हूँ। रेवेन्यू जो है हाफ ईयर में वो 15% हाइयर रहा है, इसका EBITDA जो है 93% भी इंक्रीज हुआ है हाफ ईयर में, और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 400% इंक्रीज हुआ है, 246 करोड़ हाफ ईयर में आ चुका है इसका प्रॉफिट, और EPS भी इसका जो देखे तो हाफ ईयर में 26.19 रुपीज़ का EPS आ चुका है। तो इसी तरह से अगर आप इसका ऑर्डर बुक भी देखिए तो जो पिछले साल मार्च 2018 में 22,000 करोड़ का था, वो अब बढ़ करके 27,000 करोड़ हो चुका है, जो कि मैं सितंबर 18 का डेटा दिखा रहा हूँ। तो इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़ा है, तो इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने क्यों चुना इस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए।
तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया है, अगर आप इसका ऑर्डर्स को देखें या इसका जो रेवेन्यू है इसको देखें, तो इससे पता चलता है कि इसका बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ रहा है। और रेलवे से जो ऑर्डर मिलते हैं उसमें इसका मोनोपोली रहा है, जस्ट लाइक NBCC। जिस तरह से NBCC का मोनोपोली रहा है गवर्नमेंट ऑर्डर्स लेने में, उसी तरह से रेलवे से ऑर्डर्स लेने में इस कंपनी का मोनोपोली है। और मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि इसके पास जो कैश है, अगर जितना कैश है उसको अगर इसका नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो आपको पर शेयर 150 रुपीज़ कैसा आता है। तो मतलब जो अभी इसका करंट प्राइस है 388 रुपीज़, उसमें से 150 रुपीज़ माइनस कर दें तो आपको ये शेयर मिल रहा है आपको सिर्फ 230 रुपीज़ पे मिल रहा है, सॉरी 238 रुपीज़ पर आपको मिल रहा है शेयर, जो कि काफ़ी चीप है, काफ़ी इफेक्टिव प्राइस पर आपको मिल रहा है। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इस कम आपको पर शेयर 45 से 55 रुपीज़ आपको पर शेयर प्रॉफिट होगा। और इसका डिविडेंड देखें तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा रहा है, लास्ट ईयर उन्होंने 20 रुपीज़ 50 पैसा का शेयर डिविडेंड दिया है। तो अगले साल मैं समझता हूँ कि चूंकि इसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपका इसका डिविडेंड भी आपको अच्छा मिलने के चांस है। अब देखिए इसका जो डिविडेंड है, अगर 21 रुपये भी मिलता है तो इसका जो डिविडेंड यील्ड होगा 5.4% का होगा। तो अगर आप किसी FD में पैसा जमा करते हैं और उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलता है टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो आपको उस पर मिलता है, अगर उससे कंपेयर करें तो आपको 5.4% टैक्स फ्री जो डिविडेंड मिल रहा है ये आपको एक FD के बराबर अब मिलता है। तो मतलब ये एक FD स्टॉक है, अगर सिर्फ डिविडेंड का भी देखें तो आपको FD के बराबर आपको रिटर्न्स मिल रहा है। और चूँकि इसका जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं फ्लोटिंग शेयर्स हैं वो बहुत ही कम है, तो अगर इस कंपनी का जो रिजल्ट आता है Q3 का रिजल्ट आता है जो कि अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत अच्छा आएगा, तो अच्छा रिजल्ट आता तो इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा होगा, बहुत अच्छा जल्दी ऊपर जाएगा। HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है उसमें, HDFC म्यूचुअल फंड इसमें अपना टैक्स को इंक्रीज कर रहा है। अभी जो बजट आने वाला है तो आप इसमें देखेंगे कि रेलवे के लिए कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर मिलने वाला है, तो रेलवे से जब ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा उसका बेनिफिट इसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई मैनेजमेंट का इशूज़ नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इशू नहीं है, जिस तरह का आपने देखा दिमांग हाउसिंग या जी और DLF में अभी इशूज़ आया है, उस तरह से इसमें कोई इशूज़ नहीं है इस कंपनी में, वो एक अच्छी बात है। और बहुत सारे केसेस में देखेंगे जैसे कि जो सिमिलर कंपनी है NBCC है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट जो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर आता है डायरेक्ट गवर्नमेंट से आता है, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो उसी तरह से जिस तरह से NBCC रहा है, हालांकि NBCC को भी लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने नेगलेक्ट किया था, स्टार्टिंग इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा था, लेकिन बाद में इसे एक सडन जंप आया और 10 गुना रिटर्न दे चुकी है NBCC। हो सकता है कि NBCC की तरह रिटर्न इसमें इमिडिएटली नहीं आए, लेकिन अगर आप 2 साल वेट करते हैं तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस जो है आराम से डबल हो जाना चाहिए। आप एक दूसरे कंपनी को देखें जो रेलवे की कंपनी है राइट्स, उसका अभी जब IPO आया था तो IPO का समय भी वो उसमें लिस्टिंग के बाद उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आ चुका है और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न आया है। तो उस अगर आप कंपेयर करें राइट्स से या NBCC से कंपेयर करें तो जो Ircon इंटरनेशनल का शेयर प्राइस है वो काफ़ी सस्ते पर मिल रहा है आपको, 4P के रेट पर मिल रहा है आपको, अगर आप कंपेयर करें जो दूसरे गवर्नमेंट कंपनी NBCC या राइट्स, तो उससे काफ़ी आपको सस्ते में मिल रहा है, 4P पे मिल रहा है आपको ये स्टॉक्स। एक्चुअली आपको देखा जाए तो अभी जो मार्केट है वो थोड़ा नर्वस है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आए, तो नीचे आएगा तो अगर इसका भी प्राइस नीचे आ सकता है, जो कि मार्केट का सेंटिमेंट अगर निगेटिव है तो इसका भी प्राइस और भी थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन जिस तरह से अगर शेयर प्राइस का नीचे आएगा तो उससे देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड जो है वो इंक्रीज होगा और आपको डिविडेंड यील्ड ज़्यादा मिलेगा। तो अभी जो भी डिक्लाइन आता है तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो इसमें ऑलरेडी अभी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, जो भी डिक्लाइन आता है मैं उसमें थोड़ा और भी उसमें एवरेज आउट करूँगा कि हो सकता है अभी थोड़ा डिक्लाइन आए, तो इस तरह से जो होल्डिंग प्राइस है वो एक अच्छा एवरेज मिल जाएगा। और चूँकि इस स्टॉक में जो डे ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है वो कम होता है, तो ये डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक अच्छा नहीं है, आप डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है कि हो सकता है ये 370-390 के रेंज में अभी कुछ दिन तक रहे, तो उस एक अच्छा स्टॉक है। और अगर इसका जो Q3 का रिजल्ट आएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा, उसमें कुछ अनाउंसमेंट भी आने वाला है, बड़ा अनाउंसमेंट भी आने वाला है कि बहुत सारे ऑर्डर्स उन्हें मिला है, तो जो अच्छा अनाउंसमेंट आने वाला है तो उसके पास अगर देखा जाए तो इसमें एक सडन जंप आएगा, 30 से 40% आपको कुछ ट्रेडिंग सेशन में ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको 15 से 20% रिटर्न मिल जाता है रिजल्ट के बाद, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा है, आप 50% इसमें सेल करके और जो रेस्ट है उसे आप होल्ड कीजिए 1 साल के लिए, तो और भी अच्छा रिटर्न्स आपको मिलेगा।
देखिए अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, तो जो रिस्क फैक्टर है अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है नेगेटिव है, जो भी मिड कॉफ है उसमें अभी नेगेटिव है क्योंकि 2019 में जो अभी इलेक्शन आने वाला है तो उसके कारण भी स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर है, तो इसका इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक पर पड़ेगा, सारे स्टॉक्स पर पड़ रहे हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं बुरे स्टॉक्स हैं जो भी मिड कैप का स्टॉक्स हैं सब पे मार्केट का सेंटीमेंट का इम्पैक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट डिले होता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसा है कि जो आईपीओ में जिन लोगों ने इसका शेयर्स लिया था, चूँकि आईपीओ के बाद इसका प्राइस नीचे आ गया है तो कई लोगों ने अभी इसे एग्जिट नहीं किया, लेकिन अगर कुछ राय जाता है थोड़ा बहुत इसके शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, बहुत सारे लोग जो आईपीओ के समय से इसे होल्ड कर रहे हैं वो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका शेयर प्राइस अगर 420 से 475 के आसपास आता है तो लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि इसे क्यूट कर जाएंगे, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कि थोड़ा इसका जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा नीचे आ सकता है। तो ऐसा है कि इसका जो कंपनी का रिजल्ट है वो हो सकता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये FMCG कंपनी तो है नहीं कि आप एवरी क्वार्टर इसका एक अच्छा रिजल्ट को एक्सपेक्ट करें, तो थोड़ा बहुत क्वार्टर टू क्वार्टर हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो, इसका प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, आप इसमें इसको कम से कम 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए आप इसको लीजिए तो आपको एक अच्छा रिटर्न इसमें आपको आता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों को भी अपना फ़ायदा उठाने दीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।